बसमीम्स वरह वक् वेलकम टू हफ्ज़ किचन मैं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए ना एकदम डिलीशियस से डिज़र्ट पॉप्स की रेसिपी लेके आई हूँ ये हेल्दी सी ट्रीट इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अच्छा जी सबसे पहले हमें चाहिए एक फ़ूड प्रोसेसर इस तरह से ग्राइंडर चॉपर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें ऐड कर लेंगे 125 ग्राम मैरी बिस्किट्स या तो फिर आप कोई भी प्लेन अच्छे फ़्लेवर की बिस्किट्स ले सकते हैं अब हम इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से बिस्किट्स चूरा हो जाएंगे उसके बाद हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे देखिए इस तरह से बिल्कुल आपको अच्छे से ना इसको ब्लेंड कर लेना है अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ मिक्स नट्स तो यहाँ पे है मेरे पास पीनट्स और एलमंड्स यानी कि बादाम और मूंगफली मैंने एक एक टेबल स्पून के करीब को चॉप कर लिया है साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे हनी यानी कि शहद वन फोर्थ कप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पे है मेरे पास व्हिपिंग क्रीम इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा तो यहाँ पे मैं तकरीबन टू टेबल स्पून के करीब क्रीम ऐड कर लूँगी क्रीम हमें इसमें इतनी ऐड करनी है कि जब हम इस मिक्सचर को मिक्स करें ना तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए एक की फॉर्म में आ जाए तो इस पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी फिलहाल मैंने इतनी क्रीम ऐड की है और जरूरत महसूस होगी तो और ऐड कर लूंगी जब इस पैचुला की मदद से इतना मिक्स हो जाएगा ना तो हम इस पैचुला को हटा लेंगे हाथों की मदद से अच्छे से ना इसकी डो बना के तैयार कर लेंगे अब हमें चाहिए वन टेबल स्पून वाला स्पून वन टेबल स्पून डो को मेजर कर लेंगे और सिंपल इसकी इस तरह से बॉल बना लेंगे स्मूथ सी सेम इसी तरह से हम तमाम मिक्सचर की बॉल बना के तैयार कर लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने तमाम बना के तैयार कर लिए हैं अब हम इसको एक तरफ रखेंगे साथ ही में हम थोड़ी सी डार्क चॉकलेट को चॉप कर लेंगे तो तकरीबन फिफ्टी ग्राम्स यहाँ पे है मेरे पास डार्क चॉकलेट इस तरह से चॉप कर लेंगे तो जी यहाँ पे मैंने चॉकलेट को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पे एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन रखेंगे इसमें ऐड कर लेंगे ये चॉकलेट और एक दफ़ा जब पैन गर्म हो जाएगा ना तो हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और चॉकलेट को जो पैन की हीट है ना गर्म हो गया पैन तो इसी की हीट से हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे तो जी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि शायद कोई भी नहीं बताता इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑयल नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है ना न्यूट्रल स्मेल वाला वो और ऑयल ऐड करके हम चॉकलेट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे साथ ही मैं वन टीस्पून ऑयल ऐड कर लूँगी टोटल टू टीस्पून ऑयल ऐड किया है मैंने इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इससे पता होता है क्या इससे ना चॉकलेट एकदम स्मूथ हो जाती है और आप नोट करें कि पहले क्या कंसिस्टेंसी थी चॉकलेट के मेल्ट होने पे और अब क्या कंसिस्टेंसी है अब इसकी कोटिंग आराम से हो जाएगी अब हम इस तरह का कोई बर्तन लेंगे या कोई भी छोटा ग्लास इसमें चॉकलेट को ऐड कर लेंगे देखिए माशाल्लाह से एकदम बेस्ट चॉकलेट मेल्ट हुई है अब हम एक स्कीवर का इस्तेमाल करेंगे डिजर्ट पॉप को हैंडल करने के लिए इसको डिप कर लेंगे चॉकलेट में एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकलने देंगे और फिर एक दूसरे स्कीवर की मदद से इसको होल्ड करते हुए हम डिज़र्ट पॉप को निकाल लेंगे और जी सेम इसी तरीके से हम तमाम बना के तैयार कर लेंगे अच्छा जी तो माशाल्लाह से तमाम डिज़र्ट पॉप्स बन के रेडी हो गए हैं अब देखें यहाँ पे स्कीवर की वजह से होल हो गया है ना तमाम पे ऊपर तो उसको ख़त्म करने के लिए हम चॉकलेट को इस तरह से लगा देंगे तो चॉकलेट भी सेट हो गई है अब हम डिजर्ट पॉप्स को मिनी मफिन लाइनर्स में रखते जाएंगे और जी ये देखिए बहुत ही डिलिशियस बहुत ही हेल्दी सा हमारा एक मजेदार सा डिजर्ट रेडी हो गया है तो जी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बनके रेडी हुआ है एकदम डिलिशियस और हेल्दी अगर आपको ये बहुत ही डिलिशियस रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में अल्लाह हाफ़िज